हेलो दोस्तों नमस्कार। बकरी को ठंड लग जाए तो क्या करना चाहिए, सावधानी के तौर पर क्या करना चाहिए, उपचार के तौर पर क्या करना चाहिए, यानी कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ठंड के मौसम में वैसे दिन जब 3-4 दिनों तक सूर्य की किरणें ना निकले और टेम्परेचर 6-7 डिग्री के आसपास चला जाए, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो जानवर प्रभावित होते हैं वो हैं बकरियाँ। बकरियों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है गाय और भैंसों की तुलना में। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि बकरी ये 3-4 दिन पहले बच्चा दी थी और अचानक, चूँकि हमारे यहाँ भी ठंड इतना ज़्यादा है और वही ठंड इस बकरी को लग गया है, टेम्परेचर इसका डाउन हो गया है, 96 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुँच गया है और ये बिल्कुल अपने सर को देखिए, ये नाद में टिका के और बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे कोमा में जा रही है, शॉक में जा रही है। तो यहाँ से इसको ठीक करने के लिए हमें बेस्ट अप्रोच जो लेना है उसमें हमें इसे फ्लूड थेरेपी देनी है। फ्लूड थेरेपी में क्या देना है, हम इसमें 300 ml DNS ले रहे हैं और उसमें हम 30 ml कैल्बोरॉल गर्म करके देना है, DNS को भी गर्म करके लगाना है, 1 ml डेक्सामेथासोन और 2 ml ट्राइबिवेट और 2 ml टोनोफॉस्फोन देंगे और इसे फ्लूड थेरेपी देते के साथ में। ऐसे केस बिल्कुल ठीक हो ही जाते हैं अगर समय रहते ट्रीटमेंट कर दिया जाए, क्योंकि देखिए ये धीरे धीरे शॉक में जा रही है। अगर यहाँ पर इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या फिर ट्रीटमेंट में अगर आप इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसे फ्लूड थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है और फ्लूड थेरेपी हमने दी है और उसके बाद क्या कंडीशन रहता है उसे हम फॉलो अप केस में डिस्कस करेंगे। बट कंडीशन ये है कि ठंड में अपने बकरियों को ठंड से बचा के रखें, उन्हें अजवाइन और गुड़ और मेथी वाला जो लड्डू होता है वो उसे डेली खिलाएं।